बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान मालूमात। आज आपको मालूमात देंगे कि मूंढे जो कमांद को जो है शेवर ऊपर से क्यों चलाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इससे कमांद की जो औसत है और कमांद की जो टीलरिंग है, जो नए उसके टीलर निकलते हैं वो कितनी अच्छे होते हैं, इसके बारे में आज आपको मालूमात देंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप देखते रहें। ये जिस प्लाट में आज हम खड़े हैं इसके ऊपर जो है शेवर चलाई गई है, ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कमांद की ड्रिल रिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको चलाने का मकसद ये होता है कि इसकी औसत जो है फी एकड़ जो है 200 से 300 मन ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये मूंढा फसल जो होता है कमांद का उससे इसकी औसत बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर जो नीचे जो इसका कमांद के जो जड़ें हैं वो रह जाती हैं, वो शेवर चलाने से वो कटती जो हैं उससे जो टिलरिंग है कमांद की वह बहुत अच्छी होती है। ऐसा समझ लें जैसे आप कोई नया कमांद काश्त करते हैं, जैसे आप रोप कमांद जिसे कहते हैं जा लवेरा कमांद कहते हैं, इस तरह शेवर चलाने से आप ये समझ लें कि आपने एक नई फसल कमांद की काश्त कर दिया है, आप मूंढा ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये जो है ये साफ़ सुथरी टिलरिंग होती है और जितनी ही टिलरिंग इसकी होती है वो सारे टीलर ऊपर जाकर गन्ना बनते हैं, कोई टीलर साथ में ये सूखता नहीं और ना ही ये गिरता है। तो इसकी यही फ़ायदा है शेवर चलाने का कि आप कमांद की फसल जो है उसकी औसत बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकती हैं। मेरे किसान भाइयों, आपको चाहिए अगर आपने कोई कमांद की फसल जो है मूंढा खड़ाई है तो आप उसके ऊपर जो ये शेवर है, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये शेवर पूरे प्लाट में फिरी पड़ी है, तो आप भी कोशिश करें और अपने प्लाट में शेवर चलाएं और कमांद की एक अच्छी फसल और अच्छी औसत लेने में अपना अहम किरदार दें। ये चंद मालूमात थी किसान भाइयों जो आप तक पहुंचानी थी। अगर